हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप सी या सी प्लस प्लस कंपाइलर को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा और फिर इसको हम इंस्टॉल करेंगे अपने लैपटॉप पर। दोस्तों, ये आप विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10 पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी की शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन लैपटॉप पर वेब ब्राउजर ओपन करना है। मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। फिर आप यहाँ पर टाइप करेंगे टर्बो सी या सी प्लस प्लस, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ गए, कुछ लिंक आ गए। तो इसमें जो सेकेंड लिंक है developerinsider.co, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। डाउनलोड कर लो सी प्लस प्लस फॉर विंडोज 7, 8, 8.1 एंड विंडोज 10। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर इसने स्टेप्स बताए हैं कि कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड का लिंक भी दिया हुआ है, बटन दिया हुआ है, आप इसको क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। उसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे कि एक जिप फाइल डाउनलोड होगी। फिर उसके अंदर जो एक सेटअप फाइल है आप उसको रन करेंगे और कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप इसे अपने कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं डाउनलोड बटन पर क्लिक करता हूँ। मैंने क्लिक कर दिया, अब ये सेटअप हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जी, डाउनलोड स्टार्टिंग हो गई है। ये 7 MB का सॉफ्टवेयर है, तो उम्मीद करता हूँ जल्दी से ही ये डाउनलोड हो जाएगा। स्पीड काफ़ी अच्छी आ रही है। जी देखिए, ऑलमोस्ट डाउनलोड हो गया है। ओके, जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा हम इसको ओपन करेंगे। इस एरो पर आप क्लिक करेंगे और शो इन फोल्डर हम क्लिक करते हैं। ये हमें उस फोल्डर पर ले आएगा जहां पर इसने इसको डाउनलोड किया है, ठीक है। अब क्योंकि ये जिप फोल्डर है तो आपने सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो राइट क्लिक करेंगे आप इस पर, राइट क्लिक करके आप इस पर एक्सट्रैक्ट हियर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और एक फोल्डर बनेगा आपका टर्बो सी। इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको कुछ फाइल्स दिख रही है। इसमें एक सेटअप फाइल है, टर्बो सी प्लस प्लस का विंडोज इंस्टॉलर पैकेज है। तो आपने जो सेटअप फाइल है एप्लीकेशन, इस पर आपने डबल क्लिक करना है। अब टर्बो सी का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। आपने बस इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस या सेटअप में दी जाएंगी। दोस्तों, इस सेटअप को इंस्टॉल करने के लिए कई बार .NET का फ्रेमवर्क रिक्वायर होता है। अगर आपके लैपटॉप पर वो .NET फ्रेमवर्क नहीं है तो पहले आप वो डाउनलोड कर लेंगे, अगर इनकेस रिक्वायरमेंट होती है तो। कि मोस्ट ऑफ द टाइम अब आजकल जो है वो प्री इंस्टॉल आता है विंडोज में, तो उसके लिए आप ज़्यादा टेंशन ना लें। प्री इंस्टॉल आता है विंडोज के साथ। तो अब आप यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड नेक्स्ट बटन। ओके, फिर इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे। इसे इंस्टॉल करने के लिए ये प्रोसेस यहाँ पर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, नहीं दिख रहा है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओके, ये कंप्यूटर से एडमिन से एक्सेस चाह रहा है, तो इसको हमें यस करना है, ठीक है। देखिए प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर जो एडमिन रेस्ट्रिक्शंस होती है उसके लिए इसमें परमिशन ली है, तो आपने इस पे यस बटन पर क्लिक करना है। फाइल्स कॉपी हो रही है, कुछ फाइल्स क्रिएट हो रही है, शॉर्टकट क्रिएट्स हो रहे हैं। ओवरऑल जो आपका प्रोसेस है इंस्टॉलेशन प्रोसेस वो कंप्लीट हो गया है। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लॉन्च द प्रोग्राम। आप इसको अनचेक करेंगे तो लॉन्च नहीं होगा अभी। राइट नाउ आप इसको फिर मैनुअली लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप इस पर चेक करते हैं, जैसे आप फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। हम इसको चेक रहने देते हैं। फिनिश बटन पर हमने क्लिक किया,
टर्टो सी प्लस प्लस की ओपनिंग स्क्रीन आ गई है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रहे हैं, आप स्टार्ट करके न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, न्यू सोर्स फाइल या कोई ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्टार्ट टर्टो सी प्लस प्लस इस आईडी को आप स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक है फुल स्क्रीन मोड, तो अगर आप इसको चेक करते हैं तो अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड अवेलेबल है तो ये आप फुल स्क्रीन पर भी रन हो जाएगा, ठीक है, जो कि आजकल अधिकतर लैपटॉप या कंप्यूटर्स में होता ही है। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस पर क्लिक करेंगे, डॉसबॉक्स हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो हमारी जो स्क्रीन है वो स्टार्ट हो गई, टर्बो सी प्लस प्लस आईडी ओपन हो गई, ऐसे आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। फाइल पर जाकर न्यू फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं। आज मेरे इस वीडियो में आपको सिर्फ ये बताया कि टर्बो सी सी प्लस प्लस कंपाइलर को कैसे डाउनलोड करना है और उसे अपने लैपटॉप पर कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है, ताकि आप सी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स को इजीली रन कर सकें, ठीक है। दोस्तों इससे रिलेटेड कोई क्वेरी आपकी तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।